हैं राजस्थान से ये बड़ी खबर, जहां ईडी का बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। रीट पेपर लीक मामले में ईडी की रेड है। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के घर पर छापेमारी की गई है। गोविंद डोटासरा के घर पहुंची है ईडी की टीम। एमएलए ओम प्रकाश हुडला पर भी ईडी की रेड। 7 जगहों पर सीआरएफ की टीमों के साथ एक्शन में ईडी नजर आ रही है। तो बड़ी खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के घर भी पहुंची है ईडी की टीम। राजस्थान में ईडी एक बार फिर से एक्शन में है और इस बार कार्रवाई का यह पूरा निशाना हुआ है पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पास। सिविल लाइन का यह गोविंद सिंह डोटासरा का सरकारी बंगला है। ईडी के अधिकारी यहां पर सुबह सुबह पहुंचे थे और सीआरपीएफ के जवान भी यहां पर मौजूद हैं और ईडी की यह पूरी कार्रवाई, कहा जा रहा है कि पेपर लीक मामले में चल रही, यानी कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक मामले में चल रही है, नकल माफिया वाले मामले में चल रही है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री भी थे और शिक्षा मंत्री रहने के दौरान उन पर पर्चे लीक के आरोप भी लगाए थे। तो ऐसे में अब ईडी ने अपनी पूरी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इस मामले में ईडी कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लंबे वक्त से जांच पड़ताल कर रही है और एक एक करके इस मामले से जुड़े सभी तार को तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और उसी के तहत कहा जा रहा है कि जिन गिरफ्तार लोगों से जिस तरह की जानकारी मिली उसी के आधार पर आज ईडी यहां पर आई है और गोविंद सिंह डोटासरा के जो घर पे ठिकाने पे जो फाइल है, तमाम तरह की जानकारियां हैं, उसके बारे में पूछताछ कर रही है। हमेशा की तरह ईडी ने यहाँ पर आते ही सबसे पहले दरवाजा बंद किया। सीआरपीएफ के जवान भी है, क्योंकि ईडी के अधिकारियों को लगता है कि राजस्थान पुलिस अगर साथ होती तो उसे जांच कार्य में कुछ परेशानी हो सकती थी और यही कारण है कि यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को, सशस्त्र जवानों को लेकर यहाँ पर ईडी की टीम पहुँची थी। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत गए ओम प्रकाश हुडला के घर पर भी ईडी की यही कार्रवाई जारी है। हुडला को अभी कांग्रेस ने टिकट दिया है, निर्दलीय प्रत्याशी थे, 5 साल तक उन्होंने सरकार की सहायता की थी, सरकार को 5 साल चलाने में बड़ी मदद की थी, यानी कि समर्थन दे रखा था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो अब यहाँ पर उनके घर पे भी छापे की कार्रवाई हो रही है और ये पूरा मामला सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक मामले से ही जुड़ा है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि ईडी की इस रेड के बाद किस तरह के डॉक्यूमेंट या किस तरह की जानकारी सामने आती है और चुनावी साल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की कार्रवाई किस तरह से राजनीतिक माहौल को गर्माती है। राजस्थान में ईडी एक बार फिर से एक्शन में है और इस बार कार्रवाई का यह पूरा निशाना हुआ है पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के पास। सिविल लाइन का यह गोविंद सिंह डोटासरा का सरकारी बंगला है। ईडी के अधिकारी यहां पर सुबह सुबह पहुंचे थे और सीआरपीएफ के जवान भी यहां पर मौजूद हैं और ईडी की यह पूरी कार्रवाई, कहा जा रहा है कि पेपर लीक मामले में चल रही है, यानी कि सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक मामले में चल रही है, नकल माफिया वाले मामले में चल रही है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री भी थे और शिक्षा मंत्री रहने के दौरान उन पर पर्चे लीक के आरोप भी लगाए थे। तो ऐसे में अब ईडी ने अपनी पूरी जांच पड़ताल को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि इस मामले में ईडी कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, लंबे वक्त से जांच पड़ताल कर रही है और एक एक करके इस मामले से जुड़े सभी तार को तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और उसी के तहत कहा जा रहा है कि जिन गिरफ्तार लोगों से जिस तरह की जानकारी मिली उसी के आधार पर आज ईडी यहां पर आई है और गोविंद सिंह डोटासरा के जो घर पे ठिकाने पे जो फाइल है, तमाम तरह की जानकारियां हैं, उसके बारे में पूछताछ कर रही है। हमेशा की तरह ईडी ने यहां पर आते ही सबसे पहले दरवाजा बंद किया। सीआरपीएफ के जवान भी है, क्योंकि ईडी के अधिकारियों को लगता है कि राजस्थान पुलिस अगर साथ होती तो उसे जांच कार्य में कुछ परेशानी हो सकती थी और यही कारण है कि यहाँ पर सीआरपीएफ के जवानों को, सशस्त्र जवानों को लेकर यहाँ पर ईडी की टीम पहुँची थी। गोविंद सिंह डोटासरा के साथ निर्दलीय विधायक के तौर पर जीत गए ओम प्रकाश हुडला के घर पर भी ईडी की यही कार्रवाई जारी है। हुडला को अभी कांग्रेस ने टिकट दिया है, निर्दलीय प्रत्याशी थे, 5 साल तक उन्होंने सरकार की सहायता की थी, सरकार को 5 साल चलाने में बड़ी मदद की थी, यानी कि समर्थन दे रखा था, लेकिन इस बार कांग्रेस ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो अब यहां पर उनके घर पे भी छापे की कार्रवाई हो रही है और ये पूरा मामला सरकारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक मामले से ही जुड़ा है। फिलहाल तो यही देखना होगा कि ईडी की इस रेड के बाद किस तरह के डॉक्यूमेंट या किस तरह की जानकारी सामने आती है और चुनावी साल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के घर पर ईडी की कार्रवाई किस तरह से राजनीतिक माहौल को गर्माती है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज 24।